प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छोड़ा योखिन लाक तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून पलना वालू निरखू नेत्रे मेरे जीव के जीवन मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षय तीन के परम लाडले सुंदर साथी जी, परम धाम के रंग मोहल जो हमारे प्राण प्रीतम धामधनी का स्वरूप है, उनके दिल का स्वरूप है, सभी ब्रह्मात्माएं प्रथम भोम के पांचवी कुल मूल मिलावे की हवेली में विराजमान है। अर्श की हकीकत का वो खिलवत है, खिलवत खाना है, जहां पर सभी ब्रह्मात्माओं के मूल तन धामधनी के चरणों में उनकी नजरों के तले बैठे हैं। और आप सभी ऐसे प्यारे लाडले धामधनी के लाडले सुंदर साथ के कोमल चरणों में इस आत्मा के दिल का प्रेम भरा सिजदा कबूल कीजिए। प्रणाम जी सुंदर साथ, प्रणाम जी। धामधनी हम सब ब्रह्मात्माओं को रास का रंग पिलाने के वास्ते, यानी अपने प्रेम का रंग पिलाने के वास्ते जो रस से भरपूर है, ऐसी विध विध की करिश्मा करते हैं कि उनके अंदाज को देखकर दिल प्रफुल्लित हो उठता है। इस संसार में आत्माएं आई धामधनी के संग, धामधनी अपने संग हमको लेकर आए अपने आवेश स्वरूप से। श्री प्राणनाथ जी मूल मिलावे की हकजात के स्वरूप, जुगल स्वरूप, ब्रह्म सृष्टियों का स्वरूप, परम धाम का वो अद्भुत स्वरूप अपने दिल में लिए, मूल स्वरूप के हुक्म का स्वरूप, मूल स्वरूप की नजर के संग आवेश स्वरूप होकर इस संसार में अवतरित हुए। आज भी सुंदर भरत खंड में, सुंदर श्री बुंदेल खंड में, सुंदर श्री परना मिने सुंदर श्री कुंभ जी साहेब को स्वरूप, उसमें हमारे प्राण प्रीतम श्री जी साहेब जी मेहरबान श्री प्राणनाथ साक्षात इंद्रावती जी के दिल में बैठे हैं, जो उस मानव तन को धारण किए हैं जिनका नाम कभी मेहरराज ठाकुर हुआ करता था। अब तो वो साक्षात हमारे धामधनी नूर जमाल अक्षरातीत का तन है, इसलिए उस तन को अब हम अक्षरातीत का तन कहते हैं, ना कि मेहरराज ठाकुर का तन। जब धामधनी ने इंद्रावती जी के दिल में अपने कदम रखे तो तन दिल अर्स एक किए, हके कदम धरे दिल में, वो तन भी इंद्रावती का दिल भी
स्पर्श हो गया, जहां पे हमारे प्राण प्रीतम के सुंदर कोमल गौर उज्जवल गहरी लालक लिए हुए चरण कमल पधारते हैं, तो वो तन भी महिमा के लायक है और दिल तो धामधनी का सुंदर अर्श है। और जहां अर्श है वहीं हक जात है, और जहां हक जात है वहां जुगल स्वरूप अपनी ब्रह्म सृष्टियों के संग परम धाम के हर नूरी स्वरूप के संग विराजते हैं। और जिसने भी खुले दिल से पूर्ण ईमान विश्वास यकीन श्रद्धा समर्पण के संग उस पर फिदा हुआ, वो तो धाम धनी का हो गया। धाम धनी भी उनको अपने दिल में बिठा लेते हैं, क्योंकि वो मूल से ही हक जात के स्वरूप हैं। उन्हीं को ये बल मिलता है, इश्क का बल, जो वो हक जात का स्वरूप होने के अधिकारी होते हैं, वही समर्पित होते हैं, वही पूर्ण ईमान रखते हैं, पूर्ण श्रद्धा रखते हैं, अटूट विश्वास, जरा भी चल विचल नहीं होता। ऐसे सभी सुंदर साथ को प्यार सहित धाम धनी वाणी में झीलने का आह्वान देते हैं। परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 28 में पशु पंखियों का इश्क स्नेह, हमारे मूल तन जो ब्रह्म सृष्टियां कहलाती हैं, अर्श की अरवाहें कहलाती हैं, अर्श के मोमिन कहलाते हैं, धाम धनी के नूर तन रखते हैं, धाम धनी का दिल ही उनके दिलों में लहराता है। अनंत सागरों के साथ वो हर सागर के रस में मगन रहती हैं, डूबती रहती हैं, उसी में झीलती हैं, उसी में उनका खान पान होता है। कैसा अद्भुत नजारा है परम धाम का। लेकिन जब उन रूहों ने धाम धनी से इच्छा जाहिर की कि अक्षर ब्रह्म के खेल को देखने के लिए, धाम धनी ने समझाया मत जाओ, ये अक्षर का हमारे नूर जलाल का खेल तुम्हारे देखने लायक नहीं है, तुम्हारे देखने योग्य ये बिल्कुल नहीं है, मत जाओ। लेकिन हम तो हम हमेशा अपने इश्क के बल पर कूदते रहते थे कि हमें अक्षर के खेल में कोई नुकसान नहीं होगा, यानी हम किसी भी तरह से अपने मूल को भूलेंगे नहीं और भूल बैठे। लेकिन धाम धनी का लाड़ तो लाड़ है। इस संसार में उनके हुक्म से हमने इन मानव तनों को धारण तो किया, इन मानव तन की अपनी विकृतियां होती हैं, विकार होते हैं, उसमें तन का कोई अपना योगदान, स्वतंत्र योगदान नहीं होता। तन तो मात्र एक साधन है और जीव माया की मैं लेकर बैठा होता है, और वो माया इबलीस का ऐसा घातक स्वरूप है कि वो उकसाता रहता है जीव को, क्योंकि इस जीव ने धारण किया हुआ है इस पंच भूतात्मक तन को, तो उसको गुंडी घुमाता रहता है कि तुम ऐसे करो, और जीव इतना असहाय लाचार हो जाता है इस भवसागर में
कि उसके समझ नहीं आता, उसको यही लगता है कि शायद कदाचित यही हमारा मार्गदर्शक है। वो माया के स्वरूप इबलीस को ही अपना मार्गदर्शक मान लेता है, और जैसे जैसे वो भटकाता जाता है, जीव भटकता जाता है और अपने तन को आदेश देता जाता है, और तन न जाने कितने विकार ग्रस्त कृत्यों में फंस जाता है, और फंसकर वो तन जर्जर हो जाता है, और जर्जर होने के पश्चात जब मृत्यु का समय आता है, शैया पर सूनी आंखें लेकर इधर उधर देख रहा होता है, कोई उसका स्वजन जिसको वो स्वजन समझता आया आज दिन तक कि ये मेरे अपने हैं, वो कोई भी उनकी मदद कर नहीं सकता, ना उनके स्वास्थ्य को वापस कर सकता है, ना उनके बीते हुए क्षणों को वापस कर सकता है। वो तो मात्र यादों के बीच में रहेगा, और उसके आंखों के सामने, दिल के नैनों के सामने शिशु काल से लेकर अब तक सारी घटना चक्र घूमता रहेगा कि मैं किस तरह से अपने यौवन के मादकता में डूबा हुआ था, अपने पौरुष बल पर सोचता था कि मैं ही सिकंदर हूं और मैं पूरी दुनिया को फतेह कर लूंगा, और अंततगत्वा वो रुग्ण शैया पर लेटा हुआ है और जानता है कि अब उसकी सांसें चंद बची हैं, न जाने कौन सी आती जाती श्वास कब छूट जाए उन्हें पता नहीं, इंतजार करता है मौत का। अरे हर व्यक्ति अगर जीव इंतजार करे अपने धाम धनी का, तातम वाणी के प्रकाश में अपने प्राण प्रीतम अक्षरातीत नूर जमाल का इंतजार करे, तो नूर जमाल तो इतने मेहरबान है कि वो वैसे ही उसके हृदय के अंदर, हृदय के नैनों के अंदर प्रकट हो जाएंगे, और अगर उसने पूर्ण समर्पण किया तो आत्मा भी जागृत होगी और उसको भी अक्षर के नूर नजर तले अखंडता मिलेगी, जहां पर परम धाम की अद्भुत लीलाएं, प्रतिबिंबित लीलाएं होती रहेंगी और उसका वो अखंड रूप से रसपान करता रहेगा। और मृत्यु भी ऐसे जीव के पास हिम्मत नहीं करती फटकने की, इजाजत लेकर आती है। तो कुछ तो ऐसा इस जीवन में कर लो कि धाम धनी का सानिध्य मिल जाए, और धाम धनी ने तो अपनी रूहों को जगाने के वास्ते क्या नहीं किया, सोचो। अरे शुक्रिया तो अदा करो, देखो हम सबके लिए प्राणपति ने क्या नहीं किया। परिक्रमा ग्रंथ के अंदर ऐसा हमें हमारी आंखें खोली है कि वहां के पशु पक्षी जिनकी अद्भुत लीलाओं को हम देखकर अपने पिया के संग हांसी करते थे, आनंद में मग्न रहते थे, उन पशु पक्षियों की महिमा गाई है कि वो पशु पक्षी जिनको हम निरीह समझते थे और अपने इश्क के बल पर कूदते रहते थे, आज उन्होंने बताया कि इस संसार में आने के बाद आपका इश्क कहां गया, और जरा एक बार तो देखो अपने
उन पशु पक्षियों को परम धाम में जिनके दिल में एक जरा भी शक की गुंजाइश नहीं, पर ब्रह्म प्राण प्रीतम की पूर्ण पहचान है। अगर वो कर सकते हैं तो धाम धनी इस संसार में आने के बाद हम सबको इल्म के द्वारा ये बता रहे हैं कि जब वो इस तरह से प्राण प्रीतम पे कुर्बान रहते हैं तो आप क्यों नहीं हो सकते। ये अद्भुत तुलनात्मक विवरण किया है। हमारे हृदय के नैनों के सामने वो सारा रील घुमा दिया हमारे परम धाम का, कि किस प्रकार से पशु पक्षियों का इश्क है, धाम धनी का स्नेह उन पर उतरता है। लाड़, पार नहीं जमीन को और पार नहीं आसमान, पार नहीं जड़ चेतन, पार ना इसको रहमान। तो परम धाम की जमीन का कोई और छोर नहीं, क्योंकि धाम धनी के दिल का कौन मापी करेगा। ये जमीन जिसके ऊपर हम परम धाम के स्वरूप को देखते हैं, जहां लाड़ लड़ाते हैं, उसका मापी कौन करेगा। वो तो अनंत है, लंबाई में भी, चौड़ाई में भी, गहराई में भी, और इसी प्रकार से आसमान भी लंबा चौड़ा ऊंचा है। और जितने जड़ दिखने वाले स्वरूप हैं, जड़ वहां कोई नहीं है, वो तो यहां क्या करें, यहां तो मानव की बुद्धि है, उसने तो यही देखा है कि ये जड़ है और ये चेतन है। एक पत्थर का टुकड़ा उसको यहां पर जड़ दिखता है, पहाड़ जड़ दिखता है, महल मंदिर घर द्वार सब जड़ का स्वरूप दिखता है। उसको क्या पता कि परम धाम के अंदर सब चेतन स्वरूप। क्या वो जिमी हो, क्या वो आसमान हो, क्या वो चांद सितारे हो, क्या वो सूर हो, क्या वो जल तेज वायु हो, क्या पशु पंखी हो, दरख्त हो, बाग बगीचे हो, सारे ही चेतन स्वरूप है। उनके अंदर वही दिल धड़कता है जो धाम धनी का दिल है। और परम धाम में दिल धड़कने के मतलब होता है इश्क की संगीत। सबके दिलों में इश्क का मधुर संगीत गूंज रहा होता है। सुंदर साथ, पार नहीं जड़ चेतन, पार ना इश्क रहमान। धाम धनी के इश्क का कोई पार नहीं है, और वो अपने पूरे इश्क, अनंत पूरा नहीं कहना चाहिए सुंदर सार, अनंत इश्क के सागर में हर स्वरूप को आनंद देते हैं, उनको उसका रसपान कराते हैं, छोटा बड़ा अर्स का। सो सब है चेतन, या पहाड़ या तिनका। पहाड़ यानी बड़े से बड़ा, तिनका यानी छोटे से छोटा। हर स्वरूप धाम धनी के नूर का स्वरूप है, धाम धनी का नूर का आकार है, और धाम धनी का दिल रखता है, और वही चैतन्यता है जो नूर की, नूर का गुण होता है। आप सब सुंदर साथ नूर के गुण से, नूर के गुणों से भली भांति परिचित है। फिर फिर वही वर्णन करने को जी चाहता है। प्रेम है, आनंद है, सौंदर्य है, एकत्व है, माधुर्यता है, आभा कांति चमक छटा, उमंग उत्साह उल्लास ऊर्जा प्रफुल्लता, शीतलता चैतन्यता, कोमलता मधुरता,
संगीत ज्योति कृपा ऐसे सुंदर नूर के गुण जमाली के गुण परम धाम में जर्रे जर्रे में व्याप्त होता है। छोटा बड़ा अर्श का सो सब है चेतन, सबके अंदर धाम धनी का चेतन दिल है, उनके अंग अंग चेतन है, वो हमेशा स्फुरण की अवस्था में रहते हैं कि किस प्रकार से क्या क्या कर्तव्य दिखाएं अपने प्राण प्रीतम को रिझाने के वास्ते। एक ही काम, धाम धनी को भी एक ही काम, हको काम कोई और नहीं देवे रूहो लाड लज्जत। और परम धाम के इन सब स्वरूप जो धाम धनी के दिल के स्वरूप हैं, दिल के स्वरूप यानी रूप, परम धाम के ये जितने स्वरूप का वर्णन आता है उससे भी अनंत है। और सबके दिल में एक ही बात रहती है कि धाम धनी को रिझाऊं। धाम धनी लाड़ देने में कमी नहीं करते और परम धाम की रूहें लाड़ लेकर धाम धनी को अपने विध विध के क्रीड़ाओं से रिझाने में कमी नहीं करते। हमको क्या हो गया यहां पर, हम क्यों भटक गए, हम क्यों अपने आप को उस अद्भुत स्वरूप से जुदा मानते हैं। अरे हम तो वही स्वरूप हैं, अपनी महिमा को स्वयं छोटा ना करो। पहचान इश्क अंग में इन विध बका वतन। अब सबके दिल के अंदर धाम धनी का इश्क है और सभी पशु पक्षियों की सभी रूहों को अपने इश्क के रहमान धाम धनी की पहचान है, पूरी पहचान है और इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। जल में जीव बसत हैं वाह सो सुंदर शोभा अमान। जल के जितने भी प्राणी हैं, चाहे मच्छ हो कच्छ हो मुर्ग हो मेंढक हो, मगर मच्छ हो तो मछलियां हो कछुए हो जल मुर्ग हो मेंढक हो, ऐसे अनंत नाम गिनाए जा सकते हैं, लेकिन सबके स्वरूप ऐसे नूरी हैं, सुंदर सात, तो धामधनी उनको कैसे रस पिला सकते हैं। सोचो सुंदर सात, जिस जल में वो रहते हैं वो जल धाम धनी के दिल का स्वरूप होता है। जैसे आठों सागरों का जल हो, महानद का जल हो, जमुना जी का जल हो, हौज कौसर का जल हो, गुप्ता गुप्त परम धाम के चिमी से प्रकट होता हुआ चह बच्चों का जल हो, नहरों का जल हो, सब जल धाम धनी के दिल का स्वरूप है, रूप है, आत्मा है, चेतन है, अद्भुत है, नूर का रंग है, नूर का रस है। और उसके अंदर ये जो नूरी तन धारण करने वाले अनंत रंगों से झिल मिलाते हुए ये सारे प्राणी हैं जल के, उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। अनंत सौंदर्य का, सौंदर्य के स्वरूप होते हैं वो। और धामधनी कैसे रस पिलाते हैं, क्योंकि वो जल ही धामधनी के दिल का बहता हुआ अनंत सागरों का रस होता है और उस सागर में धामधनी खुद होते हैं।
और वो सारे जल के जीव यानी जल के प्राणी धाम धनी को रिझाने के वास्ते उनके इर्द गिर्द घूमते हैं। और आपको पता सुंदर सात, वो जल में जो धाम धनी का स्वरूप है, जैसे इस संसार में अर्श का जल है ये इल्म, और इस इल्म में बैठा कौन, धाम धनी हक बैठे इन इल्म में। पाक न हो ये इन पानिये, चाहिए अर्श का जल, यही है अर्श का जल, निज बुद्धि से उतरा हुआ धाम धनी के दिल का वो इल्म सागर, और उस सागर से सब सागर अरस परस होते हैं और उसमें धाम धनी विराजते हैं। और जिसने भी इस इल्म को अपने दिल के अंदर धारण कर लिया, उसका दिल अर्श हो गया, थक बैठे इन इल्म में तो दिल अर्श हुआ मोमिन। जाको हक इलम पहुंचिया, दिल हुआ सब दीदार, अंतर कछुए ना रहा, वो पहुंचिया नूर के पार, निराकार के पार थे दिन पार के भी पार। यहां पर अब परम धाम के स्वरूप को सुंदर साथ अपने हालात का जायजा लेने के लिए आपको धाम धनी परम धाम के हर स्वरूप पशु पक्षी का सौंदर्य क्या है और उनकी लीला क्या है उससे हमको अवगत करा रहे हैं, याद दिला रहे हैं। हम भूले हैं तो याद करो। तो धाम धनी, जैसे हम पाठ घाट पे जाते हैं तो धाम धनी के संग हम जल क्रीड़ा करते हैं, उछालते हैं जल को और मधुर हास्य की शीतल लीला करते हैं। लेकिन धाम धनी उससे अनंत गुना मानो जल के जीवों के संग जल का स्वरूप होकर उनके साथ लीला करते हैं और वो जल ही सब प्राणियों के, जल के प्राणियों का आहार होता है, वही उनका खान पान होता है, वही शयन होता है, वही लीला होती है। ये जल के पशु पक्षियों को जरा देखो तो सही, किस प्रकार से धाम धनी उनको रिझाते हैं और वो रिझते हैं, धाम धनी अपना लाड़ पिलाते हैं और वो सब धाम धनी के संग अरस परस होकर लीला में डूबे रहते हैं। और वो जल कभी खत्म तो होता नहीं, जल में ही वो रहते हैं, यानी वो तो धाम धनी के दिल में ही रहते। हम कहां चले गए, हमको क्यों भूल गई, ये धाम धनी उन जीवों की, उन प्राणियों की, जल के प्राणियों की महिमा बखान करके हमको जगा रहे हैं कि तुम भी जागो सुंदर साथ, अब जागने का अवसर आ गया है। ऐसा अवसर ना पहले कभी था, चौथे दिन से जो शुरू हुआ इस छठे दिन तक, उसके पहले न कभी था न आगे कभी होगा। जागो जागो जागो, ये इल्म ऐसे वचन जागृत जो जगावत तक खिन, एक क्षण भी नहीं लगेगा जब आप अपने मूल स्वरूप में जागृत हो जाओ। और ये सारी अद्भुत प्यार भरा करिश्मा है जो बता रहे हैं कि किस प्रकार से वनों के पशु पक्षियों से वो लाड़ लड़ाते हैं, जल के पशु पक्षियों से लाड़ लड़ाते हैं। तो फौज बांध आगू धनी, खेल करें कई तान, स्वर अलापते हैं तान लगाते हैं, मानो जल तरंग बज रहा हो और सबके सब धाम धनी को रिझाने में लगे रहते हैं। मच्छ कच्छ मुरग मेढक,
कई रंग करें अपार, जुदी जुदी बानी बोलत स्वर राखत एक समार। सब सब स्वर पुराते, कोई बदरंगा नहीं होता, कोई बेताला नहीं होता, सबके स्वर एक मधुर संगीत की लहरी में पिरोए हुए होते हैं। सुंदर साथ, यहां पर तो हम सुंदर साथ अपनी अपनी में लगे रहते हैं। वाणी के भी विद विद के अर्थ करते हैं, उनके अंदर सिर्फ एक ही रंग है, वो है इश्क का, प्रेम का। बस उस रंग को देखना है और उसमें गर्क होना है बस। और धाम धनी को तो बस वर लेना है, उनकी दुल्हन होना है, फिर तो धाम धनी अपनी दुल्हन के वास्ते अपना दिल ही हासिल कर देती। तो मच्छ कच्छ मुरग मेढक कई रंग करें अपार, उनके नूरी रंगों का तो हिसाब ही नहीं है अपरंपार। जुदी जुदी पानी बोलत, इस संसार में सुंदर साथ आपने संगीत वाद्यों को देखा होगा, अरेंजर्स होते हैं जो इतने हजारों वाद्यों को एक साथ एक स्वर में पिरोकर बजाते हैं और सब उनके दिग्दर्शन पे बजते हैं, और गाने वाले भी कोई सोलो होता है, कोई कोरस होता है, लेकिन सबके स्वर एक लय ताल में एक स्वर में बंधे होते हैं, कोई इधर उधर नहीं भटकता। तो इस प्रकार से जल के वो प्राणी विद विद के संगीतमयी वचन बोलते हैं, लेकिन सबका स्वर एक ताल में पिरोया हुआ होता है, एक लय में। कई रंगों गुन गावते सब स्वर बांधे रसाल, और विद विद के स्वर है। संगीत परम धाम के अंदर अनंत स्वरों से प्रकट होता है। इस संसार में तो सात मूल स्वर होते हैं, फिर उससे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा लिया जाता है, सारे गामा पाधा नी। ये सात स्वर सात शून्य से उठते और परम धाम के आगे तो ये शून्य का कोई मतलब नहीं होता। और परम धाम के धाम धनी के दिल से जो स्वर निकलते हैं, जिस स्वरों से ये परिपूर्ण होते हैं जल के प्राणी, तो कहते हैं कई रंगों स्वर के कई रंग होते हैं, स्वर पे स्वर पे स्वर, कई रंगों गुन गावते सब स्वर बांधे रसाल। फिर जो एक मधुर संगीत नूर का निकलता है वो रस से भरा हुआ होता है, कोई भी उसको जब सुनते हैं तो मानो मदहोशी छाई रहती है, जागृत होते हुए भी दिल तो ऐसा डूबा रहता है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। जस धनी को गा वहीं जिकर करें माहे हाल। तो इस प्रकार से स्वर पुराते हैं और स्वर के अनंत रंगों के साथ धाम धनी के गुण गाते हैं। सब स्वर बांधे रसाल, और सब का स्वर बंधा हुआ होता है जिसके मूल
भाव यही होता है अपने प्राण प्रीतम नूर जमाल अक्षरातीत को रिझाना। वो रिझा सकते हैं तो हमको क्या हो गया, ये हमें सोचना है। कई रंगों गुन गावते सब स्वर बांधे रसाल, जस धनी को गा वही और सबके अंगों अंगों से धाम धनी के महिमा का गान होता है। जस धनी को गा वही जिकर करें माहे हाल, और वो सिर्फ उनका एक ही हाल होता है, उनकी एक ही रहनी होती है कि प्राण प्रीतम की जिक्र, अपने सुभान की जिक्र, बस जिक्र करो धाम धनी का। उन वतनी सो कुछ कीजिए जो खेचे तरफ वतन, प्रेमे में भीगे रहिए जो उपजे आनंद घन। बस और हमें इस संसार में क्या लेना क्या देना, हम लेने क्या आए थे देने क्या आए थे, वो तो धाम धनी की महिमा है कि हम देने ना लेने आए थे ना देने आए थे, हम तो सिर्फ देखने आए थे। और धाम धनी ने हमारे हाथों से सबको मुक्ति का तोहफा दिलवा दिया, और लेने तो कुछ भी नहीं आए थे तो धाम धनी ने अपने इश्क के रंगों को हमें लिवा दिया, अपने दिल के स्वरूप को दिखा दिया। जस धनी को गा वही जिकर करें माहे हाल, तो ऐसे जल के पशु पक्षी सभी धाम धनी के गुणों को अपने दिल में रखते हैं और उसमें मस्त रहते हैं अलमस्त। जीव छोटे बड़े कई जल के अपने अपने ख्याल, खेले बोले दौड़े कूदे खावंद को करें खुशहाल। बस अपने खावंद, हम तो जानते हैं कि अक्षरातीत हमारे प्राण प्रीतम है, लेकिन कभी कभी शक, ये इबलीस बड़ा कुटिल है, माया बड़ी छल छलनी है, इसके छल में ना पड़ना। ये तो अच्छे अच्छों को जीत के बाजी हारी वाला स्थिति पैदा कर देती है। तो आप तो धाम के सुंदर साथ हो, आपको कौन डिगा सकता है, अपने ईमान से कोई नहीं डिगा सकता। हमें तो पता है कि प्राण प्रीतम हमारी आत्मा के खावंद है। तो जीव जल के, प्राणी जल के, जल के सभी पशु पक्षी छोटे हैं बड़े हैं बहुत बड़े हैं बहुत छोटे हैं, सबका अपना अपना विचार होता है धाम धनी को रिझाने का। सुंदर सात रामायण का वो प्रसंग याद आता होगा, जब एक गिलहरी रामचंद्र जी के लिए सेतु बांधने का प्रयास कर रही थी। जल में जाती थी, फिर आकर बालू में अपने उसके ऊपर बालू लेती थी, फिर उस बालू का जैसे मानो पुल बना रही हो, और रामचंद्र जी तो उसकी इस अदा से रीझ जाते थे और उसको ऐसे सहलाया कि आज दिन तलक उनके कोमल स्पर्श की जो तीन लकीरें हैं वो हर गिलहरी के ऊपर
प्रकट होती है। तो उसी प्रकार से हर जीव, हर प्राणी जल का, तो सब चाहे छोटा हो या बड़ा हो, दाम धनी को रिझाने के लिए अपने अपने आकारों के अनुसार, अपने अपने विचारों के अनुसार विध विध की लीलाएं करता है और खेले बोले दौड़े कूदे और ऐसे अद्भुत अद्भुत लीलाएं करते हैं, खेलने की, बातें करने की, दौड़ने की, कूदने की। सुंदर साथ जरा विचारो तो जैसे छोटी छोटी मछलियां ऐसा मानो भंवर में घूमती हैं कि वहां से उछाल मारती है आसमान तक। आप जल रोस पे खड़े होइए और देखिए कि जल के जीव सभी सभी जल के पशु पक्षी प्राणी जल के अंदर क्रीड़ा करते करते जल रूपी राज्य को रिझाते रिझाते वो सारे स्वरूप मानो पर लग गए हो अपने अनंत रंगों के साथ, नूर के रंगों के साथ जल की सतह से कूद कर आसमान को छूते हैं और मानो परम धाम के अंतर जिमी से लेकर आसमान के बीच में वो सारे जल के जीव अपने नूरी रंगों से झिल मिला रहे हो और धाम धनी उस उनके अद्भुत प्रेम की आधिक्यता को देखकर फिदा होते हैं। खेले बोले दौड़े कूदे खावंद को करें खुशहाल और इन सब का लब्बो लबाब है धाम धनी को रिझाना। और सुंदर साथ हम सबको धाम धनी इस संसार में जागृत कर रहे हैं अपने परम धाम के उन पशु पक्षियों को, चाहे वो थल के हों, चाहे जल के हों, चाहे वृक्षों के हों, चाहे वायु के हों, चाहे आसमान के हों, उनकी लीला किस प्रकार से खावंद को रिझाने वाली होती है, वैसे ही धाम धनी हम सबको आवाहन दे रहे हैं कि जैसे वो रिझाते हैं आप भी रिझाओ, क्योंकि आपकी आत्मा के वो प्राण प्रीतम है, खावंद है। अनेक जानवर जल के सो केते लेऊं नाम, जल किनारे रटत हैं प्यू जस आठों जाम। तो ऐसे अनंत स्वरूप धारण करने वाले जल के ये जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, प्राणी हैं, उनके कीते केते नाम इस संसार में लेऊं। ये तो यहां पर आई हुई ब्रह्म सृष्टियों को जगाया जा रहा है, वो देख लेगी सब पशु पक्षियों को सुरता के द्वारा। महामती जी तो बस उनको एक डोर पकड़ा रही है। अनेक जानवर जल के सो केते लेऊं नाम, जल किनारे रटत हैं पीऊ जस आठों जाम। बस धाम धनी की महिमा का गुण गाते रहते हैं, जल रौस पर, जल चबूतरे पर, जल पर जिमी से आसमान के बीच में बस धाम धनी धाम धनी धाम धनी। और उनके मुख से निकला हुआ स्वर पुराया हुआ सब एक स्वर होकर धाम धनी की महिमा गाते हैं, यश गाते। ए देखो नीके कर इनमें जरा सक नाही, क्यों ना होए इश्क के अंबार, तुम विचार देखो दिल माए। इनके इस प्रकार से समर्पण की भावना विचार तो वहां इश्क का अंबार क्यों नहीं होगा।
उनके हर अंग अंग में धाम धनी का इश्क होगा। जिमी से आसमान मानो इश्क का सागर का स्वरूप हो, ऐसा नूर का सागर हो जिसके अंदर इश्क ही इश्क भरा हुआ। ये देखो नेक नीके कर सुंदर साथ, अपना दिल लगा के देखो, दिल से देखो, चितवन से देखो, ये देखो नेक नीके कर इनमें जरा शक ना है, इनमें रत्ती मात्र को भी शक ना करना। शक तो जीत के बाजी हारी वाला बना देता है। तो आप तो धाम के सुंदर साथ हो, आपको कौन हरा सकता है। और ऐसे सभी स्वरूपों के लीलाओं को देखो, उनके आकारों को देखो, उनके रंगों को देखो, उनके रस को देखो, उनके संगीत को सुनो, तो तुरंत हमारे दिल के अंदर परम धाम के इश्क का बहता हुआ अंबार हमारे दिलों में प्रवेश करने लगेगा। तुम विचार देखो दिल माए, ये सारा लश्कर तो दिल का होता है। और इश्क माए रूहन हके अर्स कया जाको दिल, हके दिल दे रूहों दिल लिया। पहले धाम धनी दिल देते हैं, फिर रूहें अपना दिल देती है। अरे धाम धनी ने तो दिल दे दिया, अब तो अपना दिल दे तो। तो क्यों ना होए इश्क के अंबार, तुम विचार देखो दिल माए, अपने दिल के अंदर देखो, अपने दिल के अंदर वो अर्श की खिलवत को देखो, जहां पर विधविध के नूरी आकार विधविध की लीलाएं करते हैं, विधविध के स्वर पुराते हैं, विधविध की लीलाओं से अपने प्राण प्रीतम कावंद अक्षरातीत नूर जमाल को हर घड़ी हर पल रिझाते ही रहते हैं। कभी अपने तन की लीलाओं से, कभी स्वर से अद्भुत स्वरूप होता है उनके रिझाने का अंदाज अलग अलग। लेकिन भाव सिर्फ एक, हमारे प्राण प्रीतम हमारी अदाओं से रीझ जाए, हमारे ऊपर फिदा हो जाए। और हम सुंदर साथ इस संसार में ऐसा नायाब इल्म लेकर भी हम क्यों नहीं हर घड़ी हर पल धाम धनी के प्रेम में डूबे रहते। यही तो बताने के वास्ते धाम धनी ने परिक्रमा ग्रंथ के इस प्रकरण में बयान किया है कि पशु पक्षियों का इश्क का स्वरूप क्या है, स्नेह कैसा है एक दूसरे से और धाम धनी के साथ। हमें ऐसा लगता है संग सब अंग हमारे हक हाथ में, इश्क मांगे रोए रोए। सोचो सुंदर साथ, परम धाम में हमारा तन ही इश्क का तन है, यहां हुक्म का तन है, लेकिन हम अपने अंदर इस इल्म को लेकर इश्क का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन हमारी क्या हालात हो गए कि हम अपने इश्क को धाम धनी से मांग रहे हैं, जिस इश्क के बल पर कूदते थे।
अपने इश्क का गुमान था और धाम धनी के इश्क पर शक था। सुंदर साथ। और अब हालात यूं हो गए कि सब अंग हमारे हक हाथ में इश्क मांगे रोए रोए, सब अंग हमारे बांध के हक आप करें हांसी सोए। अब तो ऐसे लगता है कि कोई बल ही नहीं चलता, ना जाने कहां गया हमारा वो इश्क का बल जिसके बल पर हम कूदा करते थे, इश्क के जोश में भरे रहते थे। धाम धनी फरमाते हैं, सुकन मेरा मानो नहीं सबे भरे इश्क के जोश, सबे नाचे गावे कूदें हमें कहा करे फरामोश। यानी अक्षर का ये ब्रह्मांड हमारा क्या बिगाड़ लेगा। और जब ये हालात हुए तो धाम धनी थोड़ा सा सताने के वास्ते नोक झोंक जैसे करते हैं ना पति पत्नी के बीच में, शाबाश तुम्हारी अरबाहों को, शाबाश तुम्हारे हेड़े सखत, शाबाश तुम्हारी बेसकी, शाबाश तुम्हारी निस्बत। सुनो सुंदर साथ, हमारे खावंद, हमारे प्राण प्रीतम, हमारे दुल्हा, हमारे सर्वस्व, हमारे हालात को देख कर क्या कह रहे। हम जैसे भूले कि पशु पक्षी तो इतने रस में मगन हैं और हम भूल गए। शाबाश तुम्हारी अरबाहों को, शाबाश, बड़ा रंग दिखाते थे, शाबाश, शाबाश तुम्हारे ऐड़े सख्त। अब तुम्हारा दिल जो परम धाम का नूरी दिल जो कोमलता से परिपूर्ण होता था, इस संसार में आने के बाद पाषाण कैसे हो गया, पत्थर कैसे हो गया, कि हमारी वाणी के बाण भी उसको बेधते नहीं। जो ना लेवे सिर अपने तो कहा करे वचन, ऐसे पाषाण हो गए हम, ऐसा कठिन स्वरूप हो गया हमारा। और धाम धनी निहार कर कह रहे हैं, कि शाबाश रूहों बहुत वादे करके आए थे, क्या हुआ उन कोमल हृदय अंगी अब कैसे पाषाण अंगी हो गए, पाषाण के हेड़े हो गए, पत्थर, निर्जीव, कोई धड़कन नहीं, कोई हरकत नहीं, क्या हो गया हमें। शाबाश तुम्हारे हेड़े सखत, शाबाश तुम्हारी बेसकी, परम धाम में तो आप बिल्कुल बेशक थे क्योंकि इश्क तो आपका अपना था। तो शाबाश तुम्हारी बेसकी, शाबाश तुम्हारी निस्बत, जिस निस्बत के बल पर कूदा करते थे कि धाम धनी आप हमारे प्राण प्रीतम हो और हम आपके ऊपर अपना इश्क लुटाते हैं, क्या हो गया, कहां चली गई वो निस्बत, कहां चला गया वो इश्क, और हम मांग रहे हैं इश्क रोए रोए। धन धन तुम्हारे ईमान,
धन धन तुम्हारे सहूर। परम धाम में तो सिर्फ इश्क का सहूर होता था, और यहां न जाने क्या हो गया, किस जंगल में खो गए। अब तुम्हारा जो अटूट विश्वास था अपने इश्क के प्रति कहां चला गया। धन्य है तुम्हारे वो ईमान जिसके बल पर तुम कूदते थे, अब कहां चला गया। धन धन तुम्हारे ईमान, धन धन तुम्हारे सहूर, धन धन तुम्हारी अकलें, भले जागे कर सहूर। अब तो जाग जाओ इस इल्म से सुंदर सा, और अपने हृदय की कोमलता को वापस ग्रहण कर लो। ऐसे हमारे प्राण प्रीतम हम सबको जगा रहे। ये दिलों को बेंधता है सुंदर साथ, और चागनी के पथ पर अग्रसर करने के लिए ये वचन धाम धनी के हमको झकझोर रहे हैं, उठो उठो उठो। जो जरा इन जिमी का तिन सब में इश्क, और परम धाम के अंदर सर्रे सर्रे में धाम धनी का इश्क है। यहां बता रहे हैं ना कि आप अपना इश्क बोलते थे, अब देखो परम धाम के हर स्वरूप में इश्क है, मेरा इश्क है, और तुम इश्क मांगे रोए रोए। अब तुम अब इश्क मांग रही हो, अगर तुम्हारा होता तो तुमको मांगने का प्रश्न कहां उठता था। सहूर करके देखो, जो जरा इन जिमी का तिन सब में इश्क, ये चेतन इन भांत के दामदनी का दिल लहराता है, सबके दिलों के अंदर दामदनी का दिल धड़कता है, स्पंदन होता है उस इश्क के संगीत का सब स्वरूपों के अंदर। ये चेतन इन भांत के कछु जाने ना बिना हक, उनको धाम धनी के अलावे कुछ और मालूम ही नहीं, और इस संसार में आने के पश्चात धाम धनी को छोड़कर सब कुछ मालूम है हमें। हम बहुत ज्ञानी हो गए, न जाने कहां कहां के ज्ञान लेकर मानो कूद रहे हो। अरे धिक्कार है ऐसे बुद्धि पर, धिक्कार है ऐसे समय पर जिसने आपको, मेरे अंगनाओं को, जिनसे हमारा लाड़ है उनको भ्रमित कर दिया। ना सुंदर साथ, ऐसे धिक्कार के भागी हमें तो कतई नहीं होना। सो सुंदर साथ, हम प्रण ले ले कि धाम धनी आपके अलावे हमारे दिल में कोई और रहता ही नहीं। परख लो जितना परखना है, कसौटी पे कस लो, अब तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। आपके इल्म को धारण करके आपने हमारे दिल को अर्श कर देना है, उसमें विराज जाना है, और उसके सुगंध की में हमें हर घड़ी हर पल उसकी संगीत लहरी को सुनते रहना है। तो जो जरा इन जिमी का तिन सब में इश्क, ए चेतन इन भांत के कछु जाने ना बिना हक, कछु जाने ना बिना हक। पशु पंखी बन जिमिए तले ऊपर है चित, क्या जाने मूड मुसाफ की, रमूजे इसारत। अब परम धाम के जो पशु पक्षी हैं,
चाहे जल के अंदर हो चाहे जल के ऊपर हो, चाहे आसमान में उड़ते हो या जिमी से आसमान पर उड़ उड़कर धाम धनी के हर स्वरूप का रसपान करते हो। पशु पंखी बन जिमी और जितने ये वृक्षों के स्वरूप है, जिमी का स्वरूप है, तले ऊपर है चित, आसमान है जिमी है, 25 पक्ष है, अनंत पक्षों का स्वरूप है। उसके बारे में यहां के जीव जो अनेक धर्म ग्रंथों के अटकल के ज्ञान में फूले रहते हैं, इलम चतुराई खूबी अंग की, मह यही पट लिखिया अंकुर, यही न देवे देखने मुझे मेरे दुल्हे के मुख का तोर। यहां इस संसार में जीवों को क्या हो रहा है और आत्माएं उसको देखकर अचंभित है। आत्मा तो दृष्टा है, अलग है, लेकिन अचंभित है। ऐसे स्वरूपों को देखकर कि इनके अंदर यहां के इल्म को लेकर इतनी चतुराई बढ़ गई, बढ़ गई, इलम चातुरी खूबी अंग की, इन जीवों के जो ये तन है उनके अंगों की ये खूबी है, उसके मस्तिष्क की ये खूबी है। इलम चातुरी खूबी अंग की, मोहे यही पट लिखिया अंकुर, और ऐसे जीव ही हमारे आत्मा के दिल के सामने पर्दा बन कर खड़ा है। मोहे यही पट लिखिया अंकुर, यही न देवे देखने मुझे मेरे दुल्हे के मुख का नूर। वो इश्कमयी नूरमयी स्वरूप के आड़े आता है, धिक्कार है ऐसे सब जीवों को जो हमारे आड़े बनकर आते हैं, धिक्कार है ऐसे सब अटकल के ज्ञान को जो हमारे और प्राण प्रीतम के बीच में अवरोध बनकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन धाम धनी इतने मेहरबान है कि अपने अद्भुत दिल के इल्म से हम सारे पर्दों को हटाकर अपना स्वरूप का रसपान कराते। तो सुंदर साथ आज इस 28वें प्रकरण की 29 चौपाई पर धाम धनी के आदेश से विराम लेंगे। पशु पंखी बन जिमिए तले ऊपर है चित, क्या जाने मूड मुसाफ की रमूजे इशारत। यहाँ के धर्म ग्रंथों में जो इशारते हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान, वो तो पहचानते ही नहीं, और ऊपरी ऊपरी सतह पर उसका फेन लेकर अपने अभिमान को बढ़ा लेते। तो आत्माओं को ऐसे सब स्वरूपों से बच निकलना है। तो बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।